अनुसूचित जातियों को उद्यमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने आजादी के बाद पहली बार पात्रता हेतु आय सीमा अनुदान राशि में बड़ा परिवर्तन किया है। अब अनुसूचित जाति के सभी लोग लघु मध्यम एवं बड़े उद्यमी बन सकेंगे। उक्त बातें आज लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह माती कानपुर देहात में आयोजित प्रेस वार्ता में निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कही। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में पात्रता के लिए अभी तक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 तथा शहरी क्षेत्र में ₹56,460 वार्षिक निर्धारित थी तथा अनुदान राशि प्रति व्यक्ति ₹10,000 अनुमन्य थी। उन्होंने कहा कि अब अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आय सीमा मुफ्त कर दी गई है, किंतु जिनकी आय ₹2.50 लाख या उससे कम होगी उन्हें योजनाओं में वरीयता दी जाएगी। उक्त के अतिरिक्त अनुदान राशि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है। डॉक्टर निर्मल ने कहा कि विशेष केंद्र सहायता के तहत संचालित निगम की रोजगार परक योजना या प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना PMSE के नाम से जानी जाएंगी। इसके तहत रोजगार योजनाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। डॉक्टर निर्मल ने बताया कि अनुसूचित जाति के लोग कृषि बागवानी पशुपालन मत्स्य पालन खाद्य प्रसंस्करण हस्तशिल्प हथकरघा उद्योग एवं सेवा व्यापार आदि के तहत अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जातियों को रोजगार से जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम है और इससे दलितों का बड़ा वर्ग उद्यमी बनकर उभरेगा। इस योजना के तहत अब अनुसूचित जाति के लोग क्लस्टर बनाकर प्रोजेक्ट लगा सकेंगे। प्रोजेक्ट को लागू कराने के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट होगी। चिन्हित प्रोजेक्ट के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और उत्पादन के बाजार की भी व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर निर्मल ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत 6 नए बाबू जगजीवन राम छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा तथा वर्तमान में निर्मित संचालित 261 बाबू जगजीवन राम छात्रावासों में से मरम्मत योग्य छात्रावासों के मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रति अंतर्वार्षिक ₹3,00,000 का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। फर्नीचर हेतु ₹5,000 प्रति अंतर्वार्षिक की दर से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु उन क्षेत्रों का प्राथमिकता दी जाएगी जहां बालिकाओं की साक्षरता दर कम है। बालिका छात्रावासों में महिला सुरक्षा गार्ड और महिला छात्रावास अधीक्षिका की नियुक्ति की जाएगी। पुराने छात्रावासों के मरम्मत हेतु 50 अंतर्वासी क्षेत्रों की क्षमता वाले छात्रावासों के लिए ₹5,00,000, 100 अंतर्वासी छात्रों की क्षमता वाले छात्रावासों के लिए ₹10,00,000 तथा 150 अंतर्वासी छात्रों की क्षमता वाले छात्रावासों के लिए ₹15,00,000 खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रदेश के 61,071 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, समाज सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवास, विद्युत और स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियां, वित्तीय समावेश, डिजिटलीकरण, जीवन यापन और कौशल विकास आदि की व्यवस्था होगी। डॉक्टर निर्मल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों का समग्र विकास हो रहा और यह काल इन वर्गों के विकास के लिए स्वर्णिम काल है। इससे पूर्व अध्यक्ष ने पूर्व राष्ट्रपति के गांव परौक का भ्रमण किया, जहां पर उन्होंने कराए गए विकास कार्यों का जायजा लिया तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाने हेतु युवाओं से संवाद भी किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष विश्वनाथ, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा शंकर, जिला सूचना अधिकारी नरेंद्र मोहन आदि अधिकारी एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। न्यूज उत्तर प्रदेश समाचार चैनल से विजय शंकर कौशल की खास रिपोर्ट। ग्रुप बनाएंगे और सारे व्यक्तियों को, जितने भी लाभार्थी होंगे, सबको हम 50,000 रुपए की प्राथमिक सहायता प्रदान करेंगे। शेष बैंकों के माध्यम से होगा और उनके जो प्रोजेक्ट स्थापित होंगे हम उनकी निगरानी करेंगे। हमारी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट होगी जो उनके प्रोजेक्ट बनवाएगी, उनके उद्यम पर नज़र रखेगी। और इसके अतिरिक्त इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, उसके लिए हम लोग मार्केट की व्यवस्था करेंगे। विभिन्न बड़े बड़े समूहों से बात हो रही है और उनके उत्पाद
बाजार में आएंगे, बिक्रे होंगे और इस प्रकार से अनुसूचित जातियों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन चला करके घर घर में शौचालय बना दिया और उसके तहत इस देश में जो हाथ से मैला उठाने की प्रथा थी वो उस पर पूर्ण विराम लग गया। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना से जो दलितों का सदियों की आर्थिक दास्ता है वो पूरी तरह से खत्म होगी। सर, देखा जाता है कि अमूमन योजनाओं में लोगों को जागरूकता कम थी, तो क्या इसकी तरफ से कोई? जी हाँ, इसके लिए हमारे प्रत्येक जनपद में ब्लॉक स्तर पर हम जागरूकता कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया सहित जितने भी प्रचार के संसाधन हैं हम लोग पूरे प्रदेश में जाएंगे, जनपदों में जाएंगे, हमारी टीमें बन रही हैं और व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार होगा और लोगों से कहा जाएगा कि आप जनता के क्षेत्र में आगे आएँ। और यह इसलिए भी जरूरी है कि देखिए, अगर दलित रोजगारी नहीं बनेगा, उद्यमिता नहीं करेगा तो उसकी दास्ता कम नहीं होगी, उसकी जो बदहाली है कम नहीं होगी, क्योंकि देश में सरकारी नौकरियों की संख्या 1990 की श्रम विभाग की रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, 2 करोड़ सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को मिला करके 2 करोड़, अनुसूचित जातियों को उसमें मिलते हैं 44 और 45 लाख 22% के हिसाब से और आबादी अनुसूचित जातियों की लगभग 30 करोड़ हो गई है। तो 30 करोड़ आबादी के समक्ष अगर 45 लोगों को नौकरी मिल भी गई तो शेष दलित कहाँ जाएंगे? इसलिए सारे हर घर से एक दलित को रोजगारी बनना पड़ेगा, उद्यमी बनना पड़ेगा और इससे हमारी सरकार ने बड़ा अप्रतिम योजना शुरू की है और ये योगी और मोदी काल अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्णिम।